क्या हुआ? अब जो है ना, अब मैं तो बैठा, तो मैं भाभी के लिए लेके आया हूं, तो मैं वो पकड़ा दूंगा। हां हां ले ना, तो अच्छा प्ले मिल जाएगा अपना। ये कर ले रहे हैं हम, क्या लगता है कि ये चाय डकते से? हां डकते से। भाभी खातिर गरमा गरम चाय। पैसा भी ले लो और उनका भी शादी के बारे में बता के किन्हीं ने मना पता आगे दादा के ले जाके उनका आशीर्वाद दे दिया। लेकिन तभी आप कहाँ रहे यार? अबू मैं कब आना तार देवर क्या मैं? बिल्कुल भाभी के साथ रखवे ना। अरे लाइन ओवर ले आजा। शादी में हमको ज्यादा खर्चा हो गया, अगर घरे जाएंगे तो कहा कि अपने बाप से कुछ पैसा भी ले लो और उनका भी शादी ब्याह के बारे में बता के हटा भी था। आखिर दादा के ले जाके तो आशीर्वाद भी तो दिला भी था। अरे यहाँ रहू तारे देवर बारा मयंक कम है अभी ख्याल रख ना। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखा के ले पैसा होटल के सब बिल उल चुका दिया। बिल्कुल भाभी पैसे ले जा फोन कर हम बगल वाला कमरा पड़े बुरा तू चाय पी के फटाफट रेडी हो जा और जब खाए पे कोई ऑर्डर दे दिया ठीक है तो चलो बाबा। मैं अच्छा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा भी तो लग भी रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है। अभी अभी मैं एक देख रहा था सीन्स फिल्माया जा रहा था, चाय बेच रहे थे। चाय बेच नहीं रहा था, चाय पिला रहा था। हाँ और पहले कुछ चीज को पाना होता है तो कुछ खोना पड़ता है, तो चाय खो रहा था, शायद कुछ पा जाऊं। तो क्या पाना चाहते हैं? मोहब्बत पाना चाहते हैं या दौलत? दौलत और मोहब्बत दोनों। मेरे को तो दौलत चाहिए। दौलत चाहिए, मोहब्बत है कहां? मोहब्बत नहीं बचा है, नहीं बचा है। मोहब्बत है दौलत से। मोहब्बत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मोहब्बत दौलत से है, मुझे तो मोहब्बत उसी से करता हूँ जो मिल जाए, जो मिल जाए और मिलने के बाद जो चला जाए उसको, उससे मोहब्बत करके फायदा भी नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया में किधर मोहब्बत हो रहा है, रियल मोहब्बत नहीं है। नहीं देखिए दुनिया बदल गई है तो मोहब्बत हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है। जैसे अभी पहले के लोग 100 साल जीते थे तो सारी चीज लंबी थी। हाँ सारी चीज लंबी थी। पहले के लोग जो है 10-10 रोटी खाते थे, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे। अभी सब चीज कम हो गया। एक रानियाँ होती उसमें भी आदमी है ना, उस रानी से भी परेशान हो जाता है। तो कहने के मतलब मोहब्बत भी है, अच्छा मोहब्बत थोड़ी कम हो गई, कम हो गई है। जी जी काजल और आदित्य दोनों हैं जी, और आप चाय पिला रहे थे जी, क्या सिचुएशन? चाय पिला के उन लोगों का जो है माइंड को जो है वॉश कर रहा हूँ, उनके माइंड को जो मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ कि मैं जो है आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों का जो है हमदर्द हूँ, और बाद में रिवील होगा कि कितना हमदर्द हूँ। कुछ काफ़ी अच्छा शेड है इसमें, दो शेड है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो दर्शकों को इसमें मेरा जो है दोनों शेड देखने को मिलेगा कि आयाज खान ने कैसे कैसे किस टाइप में कैसा कैसा रोल बखूबी किया, अंदाज किया है। और
फिल्म की जो है टाइटल भी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो है भी काजल अखवानी भी आ रही हैं, अमरपाली दुबे जी भी आ रही हैं, तो नो डाउट फिल्म काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशनों पर भी शूट हो रहा है। तो कोशिश यही है कि फिल्म में जो है अच्छी बनाया जाए और उसके लिए कोशिश जारी है। इस फिल्म में दो काजल और एक अमरपाली है, आप किसी से ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? मैं तो सबके साथ कंफर्ट फील करता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं एक्टर हूँ, है ना, मिट्टी हूँ, जहाँ भी जैसे भी जो उसका जो है, तुम गाढ़ा बना लो, पुरवा बना लो, गिलास बना लो, कप बना लो, कुछ भी बना लो, मिट्टी हूँ। मिट्टी को जैसे चाहे आप जो है मोल्ड कर सकते हो, तो मैं तो भाई मिट्टी हूँ। एक बात मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी चाय बेच के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बन गए, जी आप क्या बनना चाहते हैं उधर के मालिक? मैं जो है चाय बेच के जो है ना बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ कि लोग जो है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने कि एक ऐसा एक्टर है जो चाय बेच के बना है। अच्छा लगा, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस वाले हैं, काफ़ी पुराने हैं और मेरी उनसे काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी जब मैं इंडस्ट्री में नया आया था। और आज जो है इससे पहले एक फिल्म की थी, छोटी सी फिल्म की थी उनके साथ, लेकिन आज मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मुझे आए 10 साल हो गए, 10 साल के अरसे के बाद मुझे आज जो है प्रॉपर हम जो है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक फुल फ्लैश बड़ी फिल्म कर रहा हूं उनके साथ। और उनको भी खुशी है कि जो लड़का स्ट्रगल पीरियड में, स्टार्टिंग पीरियड में आया था, मेरे से मुलाकात हुई, आज वो लड़का जो है भोजपुरी का एक इस्टेब्लिश पर्सन हो गया है। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। और थैंक्स टू हमारे फैंस, फॉलोअर्स, हमारे जो है भोजपुरी ऑडियंस, जिन्होंने आयाज खान को इतना इज्जत दिया, प्यार दिया। आज जो भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ, मेरे माँ बाप, आप सभी लोगों का सहयोग है। वो मेरा जो कैरेक्टर प्ले करता हूँ उसका इज्जत नहीं है। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, टेक्नीशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, ऑल इंडस्ट्री, अयाज खान को कभी कोई बुरा नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा कि अयाज खान कभी किसी का गलत नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। नो डाउट मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो भी डायरेक्टर और राइटर वाइटर को भी थोड़ा स्टोरी नहीं नहीं इसके लिए, इसके लिए हर फिल्म में जो बोलते हो आप मार खाते हो, इसके लिए इस फिल्म में जो है ये दिमाग से मार कर रहे हैं। इनका फाइट नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसमें कुछ है। इस फिल्म के निर्माता हैं आदिल भाई हमारे हैं, और आदिल भाई अगर कहें आदिल भाई से गुजारिश करूंगा कि ये किताबें ना गिने और प्लीज हमारे जो है बगल में आए, कुछ जो है हम आपके साथ जो है जी बिल्कुल बिल्कुल आइए। और अरे क्या बात है, क्या बात है, मैं बताऊं कि ये हमारे जी आदिल भाई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, काजल फिल्म के प्रोड्यूसर, नो डाउट इतने नहायत जिंदा दिल इंसान है जिनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, जितना है जितना है और जितनी तारीफ की जाए कम ही है, क्योंकि इतने मतलब डाउन टू अर्थ, इतने मतलब ये और कॉमेडी पर्सन, आपको सेट पे रहेंगे तो मालूम है ऐसे हंसाते रहेंगे, ऐसा टाइम पास करेंगे और सबका ख्याल रखते हैं। मैं कैसे कहूँ, सच कह रहे हैं, अब उनको लगता है तो वो सच होगा उनके लिए। और नो डाउट मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे प्रोड्यूसर जो है, बहुत मजा आएगा काजल के बोल में और कुछ अलग दिखेंगे अयाज भाई इस रोल में। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। ये जो है हमारे शम्स भाई जो है काफ़ी अच्छे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे एक्टर ये, और इन पे मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी काफ़ी अच्छा कर लेंगे। हाँ मैंने कहा था कर लो लेकिन इनकार कर दिया। हाँ जी क्यों 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 इनकार किया? इनकार इसलिए किया कि मुझे अयाज भाई चाहिए थे। अरे यार तो भी थैंक्स टू जो है, क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, सीख के आगे बढ़ूंगा ना। जी अभी जी। कैसा है मैं डायरेक्ट अगर मैं इनकी जगह आऊँ तो मैं फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अयाज भाई से मैं सीखना चाहता हूँ, इसलिए अयाज भाई को मैंने लिया। अच्छा संबंध है और इंडस्ट्री में साथ सभी से मेरे अच्छे रिलेशन है, और मैं यही कोशिश करता हूं कि हम लोग जो है एक इंडस्ट्री में हैं, एक फिल्म में हैं, सभी लोग प्यार से रहें, सद्भाव से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। काजल जी के साथ, काजल जी के साथ फिलहाल अभी कोई फिल्म हम नहीं की है, अभी फिलहाल अभी इन दो दो
जी मैं काजल लगवानी की ही बात कर रहा हूँ। अभी इन 2 सालों में हमने कोई फिल्म नहीं किया उनके साथ और प्लान चल रहा है। अभी जैसे भी काजल में ही आएंगी, हाँ। इस फिल्म में ही आएंगी तो एक फिल्म हो जाएगी और जो है अभी 1-2 फिल्में और जो लास्ट फिल्म में उनके जी मुकद्दर जो है मैंने लास्ट फिल्म किया था 1-1.5 साल पहले और वो फिल्म जो है काफ़ी तारीफ हुई और उस फिल्म के लिए मुझे नॉमिनेशन में बेस्ट एक्टर के लिए जो है अभी 2000 के अवार्ड में नॉमिनेट था मैं। बहुत खुशी की बात है। काजल जी भी जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं। अभी साल भर से काम नहीं कर रहे, वो भी कहीं बिजी है, मैं भी कहीं बिजी हूँ। कभी कभी डेटों का भी प्रॉब्लम होता है तो कहीं वो अलग फिल्म में बिजी है, मैं किसी अलग फिल्म में बिजी हूँ और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो ज़रूर साथ में काम करेंगे। जी जी बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी मैं सुबह में सीन भी करके आया, गाने भी करके आया अभी मॉर्निंग में और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। अभी उनके साथ मैंने थानेदार किया, मैं और जो है वो और रितेश पांडे जी, काफ़ी अच्छा रोल उसमें भी मेरा है। अभी जल्द भी रिलीज होगी नो डाउट। बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत जो रिस्पेक्ट करती हैं। तो अच्छा है मेरे जो है हम दोनों एक दोस्त हैं और दोनों जो है काजल को जो है चाहते रहते हैं। अब दोनों का मोटो अलग रहता है ना, सब वो भी सिचुएशन के हिसाब से चाहते हैं, मैं भी सिचुएशन के हिसाब से उनको चाहता हूँ, लाइक करता हूँ। और एक रिवेंज है फिल्म में और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करूँगा स्टोरी, रिवेंज है इस फिल्म में। और काजल नोडर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आदित्य मोहन भी जो है बहुत अच्छा है, अभी एक्टर है, अभी न्यू है। अभी इंसान जो है कोई भी आता है पेड़ से सीख के नहीं आता और कोशिश कर रहा है और कोशिश करने वाली की जीत होती है। किन के बारे में? इनके अच्छा अयाज जी बहुत अच्छे अच्छे आदमी है। हाँ मेरे मेरी टीम में तो जितने सब अच्छे हैं। नहीं आगे बेचेंगे, इसमें नहीं बेचेंगे, नहीं नहीं बेचे इसमें नहीं बेचेंगे। नहीं आप नहीं सबूत नहीं है जो आपने जो नहीं 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 आपने जो क्वेश्चन किया था इनसे वो मैंने सुना था कि वो चाय बेच के पीएम हो गए तो इन्होंने कहा मैं चाय बेच के हीरो अच्छा बनूंगा, तो अभी बेचे नहीं है, अगली फिल्म में देखते हैं कि इनको बिचवा देंगे। क्या कहूँ कैसे कहूँ, इनका मिजाज बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे भाई अयाज। क्या बात है, क्या बात है। मैं दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़ी मन शिद्दत है ना, अब ईमानदार आदमी तो ही हूँ हम लोग जो है बड़ी मेहनत से और जो है फिल्म को बना रहे हैं और जी ये हमारे जो है प्रोड्यूसर साहब भी आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो है हम लोग रात दिन एक करके और जो है कोशिश यही करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाएं कि जो हमारे दर्शक अपना जो है कीमती समय और मेहनत का पैसा लगा के जो थिएटर में आते हैं तो उनका पैसा वसूल हो, उस हिसाब से हम लोग फिल्म बना रहे हैं। पारिवारिक फिल्म भी है तो जब ये फिल्म काजल रिलीज हो तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएँ, काजल फिल्म को देखें और हम लोगों को आशीर्वाद दें, दुआ दें। सबसे पहले तो आप सब किसी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम और मैं आदित्य मोहन आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं काजल के सेट पर। आज हमनी के बुलर गार्डन में मड आइलैंड में शूट कर रहा बानी सन फिल्म काजल के और बड़ा अच्छा सीन रहे आज। आज हमारा ब्याह के सीन रहे, आज शादी कहीं नहीं है हम काजल फिल्म में। जो काजल यादव जो कैरेक्टर करता रही काजल और हमारा कैरेक्टर के बीच आज शादी भैल और बस एक आगे का हो करते ही बहुत टर्निंग पॉइंट हमारे मिड आई थिंक कि मिड सीन है हमने के फिल्म के। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बा, काफ़ी अलग कहानी बा इंडस्ट्री में। अब ब्रिजभूषण सर के डायरेक्शन में 4थी फिल्म हमारी और काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी सर के तजुर्बा और काफ़ी हर चीज़ सीखे के मिले रहा उनका से। काफ़ी अच्छे तरीक़े से शूट करके फिल्म लगभग 60-70% कम्प्लीट हो चुकल बा। देखिए अभी तो हमारे शूटिंग चालू भेल बा, अभी हमारे सीन चलता काजल यादव जी के संगे जे फिल्म में टाइटल रोल करता रही। एकरा बाद काजल रघानी जी के साथ भी शूट बा, अम्रपाली दुबे जी भी बाड़ी तो अच्छा बा हमरा ला तीन बड़ी हीरोइन के साथ फिल्म करे के मौका मिलता। बस इंतज़ार बा गाने के कब शूट चालू हो के कब वो सब सीन करी
आज जैसे जैसे काम बढ़त जाता, जैसे जैसे फिल्म कंप्लीट हो जाता अपना, और अच्छा लगा था, और टाइम टू टाइम पे फिल्म रिलीज़ हो जाए, टाइम पे फिल्म के अच्छे से पोस्ट प्रोडक्शन चल जाए। इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद बा हमरा पूरा टीम के, आई थिंक लगभग इंडस्ट्री को ये फिल्म से काफ़ी उम्मीद बा। देखिए कहानी ना 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 मैं शादी ब्याह या फिर ऐसा कोनो वल्गर डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं के, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट बा। अब कहानी का बात हम ना खुद बता पाए अभी, बाकी अलग चीज़ देखे के मिली ऑडियंस के, एक यूपी बिहार में या फिर इंडिया में हर जगह पे माँ बाप अपना लड़का लड़की के बाहर भेजे ले पढ़े लिखे ला, कितना लोग तो पढ़ लिख के काफ़ी कुछ बने ला, कितना लोग अपना राह से भटक जाला या कैसे कैसे चले ला उस सब चीज़ में, कैसे कैसे माँ बाप अपना लड़का ला सर्वाइव करे ला, केहू लाड प्यार से पाले ला तो केहू लड़का फैका के सपना दिखावे ला, ओकरा मंजिल तक पहुँचे मदद करे ला, काफ़ी चीज सारी चीज़ें फिल्म में मिली। जैसे कि सबको जानता है ब्रश सर की ज़्यादातर फिल्म में फीमेल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट रहे करेला, तो इनमें काफ़ी चीज़ें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी चीज़ लोगों उनके देखे के मिली, नारियों की सम्मान करो और काफ़ी सारा चीज़ें फिल्म में मिली देखे में, जो हमारा यूपी बिहार का संस्कार बा जो कल्चर बा वो सब चीज़ें में मिली। आप मेन लीड में हैं तो कोई ना कोई गुंडा भी आपके साथ होगा, कुछ उसके बारे में बताइए कि और कौन कौन से के स्टार जगत के इस फिल्म में, ये फिल्म में बहुत लोग बा। ये फिल्म में बड़े सबसे पहले तो हमारे अजीज मित्र अयाज खान बड़े हमारा संगे ये फिल्म में। देखिए कहानी के ट्विस्ट ही है, बाकी में हीरो के बा विलेन का बा, काजल यादव हीरोइन टाइटल काजल, काजल राघानी, अयाज खान हम, यह तो कहानी वही तो सस्पेंस बा फिल्म के, तो ये चीज़ देखे आप सब केहू के थिएटर में आवे के पड़ी, अलग चीज़ देखे के मिली, ये हम गारंटी देते नहीं। और साथ में अयाज खान जी बाड़े, एक और नया लड़का लॉन्च हो रहा बाड़े फिल्म से हर्षित, उनको भी ढेर सारा शुभकामना। साथ में अनूप अरोड़ा भैया, उदय श्रीवास्तव जी, दिलीप सिन्हा जी, माया यादव जी, मतलब बहुत गिरीश शर्मा जी, बहुत खास बहुत लोग भरल भाई फिल्म में, अलग अलग चीज़ मिली। ये फिल्म मतलब टिपिकल बोल नहीं, अलग फिल्म भाई, फिल्म मेरे वाले सोचें कि वो मार धाड़ चाहे वो हीरो विलेन, ये फिल्म के हर कैरेक्टर अपने आप में हीरो बा, हर कैरेक्टर अपने आप में विलेन बा। आज शादी का सीन भाई, आज हमनी के मंदिर में शादी कहीं नहीं है सर, और बस एकरा बाद शादी के बाद का होला हनीमून पर जाए हुए के शायद प्लानिंग बा, वो सब सीन चलता तो अच्छा लगा था, अच्छा सीन चलता। और काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग बा, काफ़ी कोऑपरेटिव बाड़ी, काफ़ी अच्छा एक्ट्रेस बाड़ी, काफ़ी टैलेंटेड बाड़ी, काफ़ी अच्छा लगा तुमके संगे काम करके, और हमनी के सेट पे हमनी के पेयर हमनी के ट्यूनिंग भी लोगों के पसंद आवाता, और उम्मीद करता नहीं ऐसा नहीं दर्शकन के भी टीम ये ट्यूनिंग ये पेयर पसंद आए, और बैक टू बैक फिल्म आवता उनकर भी, तो उनका ढेर सारा गुड लक शुभकामनाएं, उनका तो टाइटल पे ही फिल्म बा, तो खूब आगे बढ़स खूब तरक्की करस। हंसते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, काम कीजिए, मस्त रहिए। हाँ अभिन जे बा 2018 में हमार 2018 में जो शूट कही नहीं 2019 में अभी आवे वाला फिल्म बा दिल दिया है जान भी देंगे, जेकर डायरेक्टर बाड़े समीम सैयद जी, ओकरा बाद बेमिसाल खिलाड़ी, जेकर डायरेक्टर बाड़े दीपक त्रिपाठी जी, फिर परिवार के बाबू धनंजय प्रताप सिंह जी के साथ, जेकर निर्माता हुए दिनेश तिवारी जी, फिर ओकरा बाद तकरार रतन राहा जी के साथ, ओकरा बाद एक हिंदी प्रोजेक्ट भी हमारा आवता मन क्यों बहकारे, शत्रुघ्न गोस्वामी डायरेक्टर हुए, ऐसे करके इस साल हमारे 7-8 फिल्म आवता, फिर काजल बा आदिल अहमद जी के प्रोडक्शन में ब्रिज से डायरेक्टर हुए। तो बस आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि हमारा सब फिल्म के थिएटर में जाके देखी लोग, और शेयर करी लोग, प्रमोट करी, थैंक यू आप सब के हो गए, हर हर महादेव। आप लोगों की मेहरबानी है, ये आप लोगों की मेहरबानी है। काजल फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, पहली वो शूटिंग फिल्म है जी, काजल के साथ कहीं शूट कर चुके हैं, कैसा स्वभाव है? अच्छा
अच्छे स्वभाव की है। कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक अच्छी कलाकार है, बहुत ही अच्छी कलाकार। आप कई बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्में देख चुके हैं, उसमें किसी हीरोइन को आप पर्सनली तौर पर कुछ कहना चाहेंगे जिसको खास पसंद करते हो? किसको बताऊं मैं, सभी हैं बहुत अच्छी अच्छी हीरो ने, किसको मैं बताऊं? हर इंसान की लाइफ में एक बॉलीवुड हो या भोजपुरी में गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कोई भी हो, बहुत उसके दिल में समा जाती है। ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई हीरो ना है जिसको पर्दे पे सिर्फ लाइक करते हैं, मिले नहीं हमारे? नहीं, मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई, ऐसी बात नहीं कि मिले नहीं, मुलाकात तो बहुत लोगों से। आप जिसको लाइक करने के आप उसे मिले हैं? जी मैं कहा उन लोगों को लाइक करूंगा भाई, लाइक करने की क्या जरूरत है उनको, वो कौन ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ ये बहुत सारी हीरो ने जिनको मैंने पसंद किया कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी है। कैसे दिमाग में आया कि फिल्म बनाया जाए भोजपुरी सिनेमा? कैसे दिमाग में आया? आप लोग कितने कुछ तो होगा ना, अगर चल रहा होगा आपका बिजनेस कुछ और है, सिनेमा से कोई ताल्लुक नहीं है, देखते हैं सिनेमा जुड़े हुए लोगों से, लेकिन काफी टाइम के बाद एक अच्छे सिनेमा के दिमाग में भोजपुरी, कोई तो मिला होगा जो आपको राय दिया हो भोजपुरी सिनेमा बनाया जाए? पीछे खड़ा है आपके, वो देखो शम्स आगाज। वाक्य क्या है, बस ऐसे ही मूड हो गया, इन कहा बना दिया फिल्म और क्या है, चल रहा है अभी तो, फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, शूट तो हो ही रहा है। आर्टिस्ट का सिलेक्शन किसे था? आर्टिस्टों का जो है सब शम्स ने ही किया है, ऑलमोस्ट ने किया है, जो भी किया है हाँ, बहुत थोड़ा बहुत उसमें मेरा भी हाथ रहा। सर भोजपुरी सिनेमा का बनाने का आपको दिमाग कैसा है? मुझको ये बचपन से था कि जब इस काबिल बन जाऊं तो कोई भोजपुरी फिल्म बनाऊं। फिल्म का निर्देशन कैसे आपने सिलेक्शन किया भरत भूषण जी का? भरत भूषण जी का सिलेक्शन जो है, एक्चुअली जो है ये फिल्म बनाने का जो आइडिया था, ये शम्स से मुलाकात हुई, शम्स ने ये कहा कि जो है ब्रजभूषण एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, एक अच्छे डायरेक्टर हैं, तो इसने मिलवाया उनसे और बातचीत हुई, तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहानी मुझे सुनाई और कहानी अच्छी लगी, और आपको भी मालूम है फिल्म आएगी देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छे गाने हैं। भोजपुरी में ज्यादातर फिल्में हमारे कुछ दर्शक या कुछ पब्लिक बोलते रहती है, मीडिया वाले बोलते हैं कि अश्लील फिल्में बनती है, क्या आप भी उस श्रेणी में हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटके ये फिल्म है, कोई इसमें अश्लील कुछ भी नहीं है सर, बहुत साफ सुथरी है, आप जो है फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। क्या आपके घर में भोजपुरी सिनेमा देखी जाती है? जी हाँ देखता हूँ मैं। आपके फैमिली मेंबर भोजपुरी सब जानते हैं? भोजपुरी जानते हैं लेकिन मैं ज़्यादा देखता हूँ, वो लोग तो नहीं अभी देखे, लेकिन फिल्म मैं बना रहा हूँ तो वो लोग भी ज़रूर देखेंगे। अब उन लोगों का तो रुझान आएगा ना इस तरफ कि मैं खुद बना रहा हूँ तो वो लोग भी देखेंगे। आपके अनुसार भोजपुरी सिनेमा को जो दर्शक देखते हैं क्या सही और क्या गलत होना चाहिए, कौन निर्णय करता है? सिनेमा जो बनती है कुछ अच्छी बनती है, कुछ खराब बनती है, तो दर्शक हमेशा अश्लील फिल्में देखना पसंद करते हैं, ऐसा व्यूअरशिप में पता चलता है, आजकल यूट्यूब का जमाना है, उसमें आप कितना सहमत हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर अच्छी मूवी है, अच्छी है तो लोग उसको पसंद करेंगे और वही पब्लिक ही पसंद करेगी और रिजेक्ट करेगी, इसलिए ये फिल्म जो हम बना रहे हैं ऐसी बना रहे हैं कि कोई रिजेक्ट इसमें नहीं होगा, परफेक्ट बना रहे हैं। और ये फिल्म आप जब देखेंगे, दर्शक देखेंगे तो बिल्कुल हटके है ये भोजपुरी से। आपने काजल रघवानी को साइन किया, क्या कभी उससे आपकी मुलाकात हुई है? जी हाँ। कैसी लगी बात में? ठीक है ठीक है। क्या हाँ? उनके कोई गाने आपने देखा है? दो एक गाने मैंने उनके सुने। लाइनें याद है कौन से? वो नहीं याद। कैसा है उनका विचार, कैसा रहा आपसे मुलाकात के दरमियान? मुलाकात के अंदर अच्छी बात किया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है, नेचर की भी ठीक है, इसी बुरी नहीं है। अच्छी कितने गाने में काजल लगवाने नजर आएंगे? एक गाने में। और कोई आपके साथ इस गाने में किसी को डाल रहे हैं?
अमरपाली को, अमरपाली दुबे को, क्या उनके हम एस कुमार की तरफ आना चाहेंगे, एस कुमार की बताएंगे अमरपाली दुबे के ऊपर कौन सा गाना गाया जाएगा? देखिए इसको बोले तो एक प्रमोशन सॉन्ग बोल लीजिए चाहे आइटम सॉन्ग बोल लीजिए, है ना, गाना काफ़ी अच्छे हैं और ये इस तरह के गाने हैं जो हर पब्लिक को अच्छा लगे, इसमें फैमिली में भी देख सकते हैं और अन्य दर्शक को भी अच्छा लगेगा, हर वर्ग के लोगों को ये गाना अच्छा लगे। इस तरह का गाना बनाया काजल अगवानी के भी अच्छे गाने हैं, थोड़ा म्यूजिक थोड़ा हटके है, सब बोलते हैं हटके बनाए हटके, लेकिन थोड़ा वाकई हटके हैं और म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है, है ना, तो लोगों को भी गाना बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा कि थोड़ा गाने का जो कंपोजिशन है, अरेंजमेंट है या लिखावट है कुछ अलग तरीके से है, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल टाइप के है। काजल अगवानी और अमरपाली का सिलेक्शन कैसे किया गया इस फिल्म के लिए? जब मैं गाना म्यूजिक बना रहा था, जब गाना लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने पे काजल अगवानी जी हों और अमरपाली जी हों, तो मैंने सर को सजेस्ट किया, डायरेक्टर को सजेस्ट किया, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है अगर गाने पे परफेक्ट है तो उनको लिया जाए। तो इनको सर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे म्यूजिक के जिस तरह के मैंने गाने बनाया उस म्यूजिक के साथ इंसाफ हो रहा है, तो इनको दिल से आदिल सर को मैं धन्यवाद देता हूँ को मैंने जो कहा कि मेरे म्यूजिक के साथ इंसाफ होता अगर ये लोग आ जाएंगी, तो बोला ठीक है सर। तो क्या दोनों साइन हो चुके हैं फिल्म के लिए? जी। कुमार जी जाना चाहेंगे कैसा गाने हैं आपके, कितने गाने बनाए इस फिल्म में? टोटल 8 गाने हैं और टोटल डिफरेंट गाने हैं, जैसे रोमांटिक हो गए, कुछ आजकल शादी के गाने हैं, जैसे आइटम सॉन्ग हो गए, टोटल 8 गाने, टोटल डिफरेंट गाने हैं इसमें। सिंगर कौन कौन होंगे? सिंगर इसमें हैं आलोक कुमार हैं, मोहन राठौर हैं, पामेला जैन जी हैं, खुशबू जैन जी हैं, मोहन राठौर हैं, ये सब सिंगर हैं इसमें। तो काजल अगवानी और अमरपाली की शूटिंग कब की जाएगी? इसकी अब नए साल में की जाएगी 2019 में। और कुमार जी आपको कौन कौन सिनेमा के आने वाली हैं? आने वाली तो अभी एक रितेश पांडे की पिक्चर है मेरी जान तिरंगा, ये आ रही हैं और काफ़ी 4-5 पिक्चर है अभी लाइन में, तो धीरे धीरे बताऊंगा जैसे जैसे आएगी। ब्रजभूषण जी को आप सर कुछ कहना चाहेंगे, कैसे डायरेक्टर हैं वो आपके साथ? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ अपने तरफ से उनको बोलना चाहेंगे? ब्रजभूषण साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। थैंक यू। मैंने चाय लिया, कॉफ़ी लिया, ठंडा लिया, और बताइए जो सेट पे जो हम लोग ने जो हमारे पास जो अवेलेबल था। अच्छा साइन करने का है तो हमारे फिल्म में जो लीड रोल हीरो है आदित्य मोहन है और हर्षित जी है और काजल यादव हैं, माया जी हैं और दिलीप सिन्हा जी, उदय श्रीवास्तव है और काजल राघवानी है और अपना अमरपाली दुबे जी है, अनु परोड़ा जी हैं, बहुत सारे अच्छे सभी अच्छे कलाकारों को हमने लिया है। आप निर्माता साहब का कुछ जानना चाहूँगा, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे भोजपुरी सिनेमा बनाने के लिए आपने मना लिया? भोजपुरी सिनेमा तो एक्चुअली मुझे भोजपुरी से बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में बेगूसराय जी, तो इसलिए मैं और सर मतलब हम लोग बहुत करीब हैं और करीब से रहते हैं, तो अचानक से एक जगह हम लोग गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ये हुआ तो कुछ बातें चली, तो हम लोग डायरेक्टर जी इनका अपना ब्रजभूषण जी का कनेक्शन मिला हम लोगों को, तो कनेक्ट किए और ब्रजभूषण जी मिले और लगातार हमारी फिल्म स्टार्ट होगी। एक बार में कनेक्ट हो गया क्योंकि ब्रजभूषण जी इतने पुराने नेटवर्क है उनका कि तुरंत कनेक्ट हो जाता है ब्रजभूषण जी का बहुत पुराने लोग तो हमेशा नेटवर्क फास्ट ही रहता है। आपका नेटवर्क कैसा है? मेरा नेटवर्क फास्ट था इसलिए उनके उनसे जल्दी मिल गया। काजल और अमरपाली को साइन करने से पहले आपका क्या नेटवर्क कैसा था? नेटवर्क तो 5G चल रहा था, जैसे उनका साइन हो गया तो 5G प्लस हो गया अभी। अच्छा, हमारे काजल फिल्म के लिए। कुछ काजल जी के बारे में कहना चाहेंगे? काजल भगवान, नीचे धरती ऊपर बादल, सबसे बेस्ट है हमारी फिल्म काजल। वाह वाह वाह, क्या बात, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके की फिल्म है और वुमेन पावर पे ये हमारी फिल्म बन रही है तो सबसे अलग है और
भोजपुरी में जो भी लोग कहते हैं भोजपुरी में बहुत बल्गर लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे, क्योंकि और ये काजल को देखने के बाद इसका हमारा म्यूजिक इतना सॉफ्ट मुलायम, एकदम रुई, जानते हैं रुई, कॉटन, कॉटन के जैसा हमारा सॉन्ग है, और हमारा स्क्रिप्ट भी एकदम इतना क्लीन है कि आप सभी अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। मैं सभी से बोलूँगा कि जो भी है हमारे भोजपुरी देखने वाले तो सभी जाए और हमारे इस काजल को सबको बोलो, देखे, सबको दावत दो, जितने भी लोग हिंदी हैं, हिंदी को हाँ सबको सभी लोग जितने भी भोजपुरी से प्यार करते हैं सभी के लिए। अच्छा, काजलों रूपाली में से सबसे ज्यादा खुश किस कौन सी लगती है आपको? काजल जी अच्छी है, अमरपाली जी भी। जी दोनों कोई गाना जो आइटम तो उन्होंने दिया कोई याद है आपको? एक सॉन्ग तो मुझे, एक सॉन्ग शायद काजल जी का सबसे है, ज्यादा जो याद है थोड़ा सा याद होएगा। छलकत हमरो जवनी आए राजा, और आगे याद नहीं है मुझे। जैसे के मल सुना दो। हाँ करते हैं। फेवरेट सॉन्ग बोले तो कोई भी, भोजपुरी तो मैं बहुत देखता भी हूँ, और कोई गाना जो आपको हमेशा गुनगुनाते हैं वो भी सुना दीजिए। प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, नइखे मिलत बाबूजी के डर से, हम तगीर गईनी सब के नजर से, नइखे मिलत बढ़िया, बाबूजी के डर से। वाह वाह वाह। आपका एक न्यूज़ कल चल रहा था, खेसारी के बहुत पुराने फैन हैं, उस हाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं स्टार बनने से पहले वाला फैन हूँ, और अभी तो स्टार बनने पे उनके बहुत सारे फैन हो गए, तो मैं क्या कहूँगा अभी तो। और अच्छी तो भी बात है कि उसी में से वो हम थे। नहीं, उसमें से नहीं हूँ सर, अभी स्टार बनने से पहले जो होते हैं। अच्छा, अभी उनका लेटेस्ट कोई मूवी आपने देखा है? लेटेस्ट मूवी फिलहाल अभी तो नहीं देखा, अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी मैं अपनी फिल्म में इतना बिजी हूँ कि अभी नहीं देख पा रहा हूँ कोई भी मूवी। और भोजपुरी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड, जबकि हमारे बेगूसराय में भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, तो हमारे इतने सारे फ्रेंड हैं और के वो भोजपुरी बोलने वाले, मोतिहारी, सीवान, गोपालगंज, और तो इसलिए वो जो है हमें भोजपुरी अच्छी लगती है। अच्छा, खेसारी के फैन मतलब बने कैसे? कोई तो ऐसा होगा बस जो उनका जो स्टेज डांस था वो मुझे कोई बहुत पसंद आया, और उनका आवाज़ भी मुझे बहुत पता अच्छा लगता है, वॉइस जो है उनका बहुत अच्छा हो? ये देखो, ये देखो। आवाज़ मैं नहीं निकाल पाता हूँ, बट वो जो जैसे उस टाइप से गाना जो गाते थे वो गाना मुझे पसंद आया, तो इसलिए मैं उनका फैन हो गया हूँ। ये आप तो बहुत सारे फैन हैं, उस टाइम जो फैन ऐसे बने मैं उस टाइम के फैन, मैं उस टाइम जो ए जिस टाइम वो बनाना। स्टेज शो वगैरह ज़्यादा हेलो, करते थे उस टाइम का फैन, वो भी फिल्म में आने से पहले।